ये आ जाएगा एक्स इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स, इधर से वाई जो है वो ये वाला वाई प्लस वन दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई प्लस वन ओवर वाई। दोनों को एलसीएम अलग अलग कर देंगे, एलसीएम जब अलग अलग कर देंगे ये क्या बन जाएगा सिंपल एक्स, और ये बन जाएगा वन ओवर एक्स, ये बन जाएगा वन और ये बन जाएगा वन ओवर वाई। तो इसका दो से तीसरी लाइन में हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, लॉग में आएगा। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये देखें, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट आंसर एक्स प्लस वन ओवर एक्स, इसमें आ गया वन ओवर वन प्लस वन ओवर वाई। एक्स का आंसर हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर टू, वन ओवर एक्स का आंसर हमारे पास बन जाएगा लॉग एक्स, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, वन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी वाई, और वन ओवर वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई। अब इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, अब देखो सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ, इसके साथ भी आपको बोला था जब वाई के साथ आ गया तो तब हमें ये काम करना पड़ना है कि जिन जिन के साथ लॉग नहीं है उनके साथ हमने लॉग ई लगा लेना है, उनके साथ जब लॉग ई लगाएंगे, लॉग ई लगाने के बाद लॉग ई लगा लिया, लॉग ई लगाने के बाद हमारे पास ये देखें इसके साथ लॉग नहीं था, इसके साथ लॉग ई लगा लिया, इसके साथ भी लॉग नहीं था, इसके साथ भी लॉग ई लगा लिया। तो पावर रूल के मुताबिक ये पावर में चले जाएगा उसकी ई की पावर में, इधर से वाई भी ई की पावर में चला जाएगा। तो अब सारे आगे हमारे पास वाई वाली टर्म और सॉरी लॉग वाली टर्म में, तो इन पे हमारे पास लॉग जब एक करेंगे इनका लॉग, तो ये लॉग एक कैसे होगा, ये लॉग हमारे पास बन जाएगा तीनों प्लस है तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सी एक्स और ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू, इधर दो लॉग हैं तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या रह गया सी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू वाई ई वाई। आगे फर्दर अगर लिखना है तो वाई दूसरे सॉरी ई की पावर जो वाई है वो इसके नीचे जाके डिवाइड कर दें, अदरवाइज इधर ही छोड़ दें, ये भी ठीक है। बस उसका आपने ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास लॉग में आ गया आंसर तो लॉग आपने बेसिकली उसका खत्म करना है, लॉग खत्म करेंगे नेक्स्ट हमने मतलब मूव करना है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर नाइन। ओके क्वेश्चन नंबर नाइन। अली साथ चाय शाय पी लेनी थी यार अदरक डाल के, ठीक हो गया तुम? हाँ अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन हम करते हैं उस पे ना व्हाइट बोर्ड पे। बोलना क्वेश्चन नंबर नाइन अली। वन ओवर एक्स, वन ओवर एक्स इनटू डी वाई ओवर डी एक्स, इनटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू, वन ओवर टू इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस फाइव वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर सॉरी। अब ये देखें ये जो y वाला पोर्शन है एक तरफ है और ये बाकी सारा पोर्शन हमने एक तरफ ले आना है, वन ओवर टू इधर से x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और साथ dx आ गया। अब ये वाला सारे का सारा पोर्शन इधर है, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर। अब बहुत तरफ बहुत साइड हम टेकिंग इंटीग्रेट वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वन ओवर टू कॉन्स्टेंट है बाहर एक्स डी एक्स। तो इधर से हमारे पास ये किसका डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी टेन इनवर्स ऑफ वाई, तो इधर से आंसर क्या बन गया वन ओवर टू, इसका बन गया एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस सी, इधर बन गया टेन इनवर्स वाई। तो ये हमने तो आंसर देना है वाई का, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ सॉरी टेन इनवर्स नहीं आएगा, इधर से अकेला रह जाएगा टेन, तो इधर बन जाएगा हमारे पास टेन एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस सी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है?
नेक्स्ट यस इसका सर कोई है? नेक्स्ट सर इसका 13th पार्ट, 13 13 देखते हैं उसमें 13 की हो। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 किया है। अच्छा भाई 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। secant square x tan y dx secant square y tan x dy। अब देखो secant square x वाली टर्म और tan x वाली टर्म dx के साथ लेके आनी है हमने, secant square y और tan y ये हमने लेके आनी है dy के साथ, क्योंकि x वाली x वाले के साथ, y वाली y वाले के साथ। इधर से सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। कोई भी पोर्शन ले जाओ, वाई वाला ले जाओ या एक्स वाला ले जाओ, तो ये पोर्शन जब आ जाएगा हमारे पास इसमें, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, शाहरुख लीव कर गया था। अब ये देखें वाई वाली टर्म और वाई डी वाई इधर आ रहा है, तो इसका मतलब tan y जो है इधर लेके चले जाएंगे दूसरी तरफ। इधर tan x फालतू है, इस tan x को हम इधर देखें, secant square x है और dx इधर रहेगा, tan x इसके नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर secant square x, tan y का ऊपर secant square y, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या कर देंगे, log tan x माइनस log tan x। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस तो शुरू में जा रहा था हमारे पास, प्लस लॉग सी। तो नेक्स्ट आपको पता है इसमें द 17 क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। लॉग दोनों के हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू लॉग सी, तो लॉग लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया tan x tan y इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी जी 17 जी जी सर इस पार्ट में आपने क्या किया है, इसमें इसमें ये देखो यहाँ तक क्लियर है, यस। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x। हाँ, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये देखो लॉग tan x लिख दिया, tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square y, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसको भी हमने क्या लिख दिया, log tan y। अब ये माइनस में था, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, प्लस, yes, log tan x plus log tan y equal to log c। log का कानून हमने अप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ लॉगरिथम, दोनों में प्लस आ रहा है तो उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो log log से कैंसिल हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक ठीक हो गया, yes। चलिए जी नेक्स्ट चलिए 17 ये दोनों है ना, होमवर्क प्लस क्लास वर्क, यस सर, ओके। अच्छा अभी ये देखें, एक के साथ एक्स आ रहा है, एक के साथ टेन वाई। अब सीकेंड एक्स कांस्टेंट है, उसको दूसरी तरफ ले जाओ, सीकेंड एक्स को कांस्टेंट था वो दूसरी तरफ ले आए, तो अब ये देखें हमारे पास ये क्या बन गया, ये tan y dy secant square, सॉरी secant x, ये उधर से माइनस जो है dx इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन tan y, tan y की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर नहीं याद, नहीं ऐसे मतलब आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें साइन वाई ओवर कोज वाई। अब ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, माइनस बाहर भी लगा लिया, माइनस अंदर भी आ गया अपनी तरफ से, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस लॉग कोज वाई इक्वल टू सीकेंड का हमारे पास, हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस tan x प्लस सी, तो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे, माइनस खत्म हो जाएगा, log cos y
ये इधर आके हो जाएगा माइनस, या ये प्लस ही कर लें इसको, ये प्लस हो जाएगा इधर आके तो ये माइनस रह जाएगा, ये बन गया सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल टू, तो इधर से हमारे पास ये माइनस में आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ओवर कॉस वाई, ठीक हो गया, इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ओवर कॉस ऑफ वाई इक्वल टू सी। अगर ये इस तरह ही है इसका आंसर हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं, इधर से ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से कॉस इनवर्स हम लिख लेंगे, इधर से फिर एग्जैक्ट वाई की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे वाई की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स, हाँ ऐसे जिस तरह मतलब वो अगर करना है कर लें। इधर वैसे इंटीग्रेशन खत्म हो गई है, लॉग खत्म करना था बेसिकली, लॉग सर, खत्म आंसर करना। यही आ आंसर गया, सही। हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ, आंसर सही नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। क्या आंसर है? सही है, सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, अच्छा वो कोज वाई सी दूसरी तरफ है। ठीक हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, कोई मसला नहीं, वो ऐसे कर लो, उसने ये किया है गड़बड़ कोई नहीं है। ठीक वो आपको बताया ना तीन चार मेथड है इसके, इधर से ये कर लो, ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन एक तरफ ही रहने दो, इधर से वो लॉग वाला हमारे पास एक तरफ रहने दो, ये वाला, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन गया लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स और इसके साथ आ जाएगा सी, और इधर से माइनस लॉग वाई कॉस वाई, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस इधर आ जाएगा सी सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये जो माइनस था हमारे पास वो इधर ले आए। क्या ये आंसर क्या माइनस है, नहीं है आंसर में, आंसर क्या आंसर में बिल्कुल माइनस है। यस माइनस नहीं है, तो इसका एक और मेथड सर, इधर से है इक्वल टू, इसकी पावर माइनस है तो ये पावर लॉग का ला लगा दें इधर ही ना, लॉग का जब ला लगाएंगे तो ये -1 बन जाएगा, तो ये कॉस अगर ऊपर से माइनस कॉमन लेके काट दें। वही वो पहले किया था ना हमने माइनस कॉमन लेके, वो वैसे ही आप काट दें, बल्कि वो पहले माइनस लेके ही काट दिया था, फिर नीचे क्यों लिखा फिर नीचे लेके हमने लिखना ही नहीं था, सॉरी इधर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, बाकी यही रिजल्ट है हमारे पास, पीछे उसने है? यही अब आंसर दिया। 18 18 तो क्वेश्चन ठीक है, अब है। यस सर, वो माइनस का ही मसला था। वो कोई मसला नहीं, वो आप जिस तरह मतलब इस तरह तीन चार मतलब पॉसिबल आंसर निकल आ सकते हैं ना इसके, वो ओके आप कर सर, सकते हैं। गलत भी तो हो सकता है, क्या गलत भी तो हो सकता है, अगर माइनस लगा दे तो पीछे तो नहीं, नहीं लगा हुआ। ओहो माइनस ना भी लगाओ, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन रिजॉल्व किया है, मतलब वो कॉस वाली एक तरफ टर्म ले गए थे, तो इधर से कॉस इनवर्स वाला भी आपको आंसर बताया कि अगर वाई का आंसर निकालते हैं तो आपके पास से ये जी सारे के सारे पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अली, क्वेश्चन ठीक है, नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है। नंबर इस एटीन एक्सरसाइज अच्छा ठीक हो गया, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखें ये सारे का सारा एक्स 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 सारा कुछ एक्स में ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये वाला पोर्शन दूसरी तरफ ले जाएंगे और साथ एक्स लगा देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इसका आंसर आ गया वाई। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखें, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स, देखें वो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको लॉग में लिख देंगे। अब देखें ना इसमें, अब ये देखें आपको मैंने बताया था कि जब लॉग आता है वाई के साथ फिर हमने वो काम गड़बड़ करना होता है, सारे आगे पीछे करना होता है,
जब एक्स के साथ लॉग आ जाए तो वहीं हमने आंसर छोड़ देना है, उधर ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलें ठीक हो गया जी। लें जी, ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। इसमें अगर किसी एक्सरसाइज में कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ लें। 3.9 में जी, 3.9 कहाँ से आ गई? लगता है सर्दी का असर दिमाग पे हो गया। सर 3.5 का क्वेश्चन करवा दें। थ्री पॉइंट फाइव यस। 3.9 अली ने बनाई है ना, अली के पास है 3.9। अली को मैथ बहुत पसंद है ना सर, इसलिए। हाँ जी सर, 3.9 अली से समझें। हाँ 3.9 अली समझाएगा हमें सर, आप भी समझ लें। हाँ यही ना, मेरा भी कंसेप्ट ये क्लियर करवा देगा। इसका कौन सा क्वेश्चन है इसमें? सर फर्स्ट ही करवा दे, मैंने नहीं ली क्लास ये वाली।